चले जी, अब उड़ के आ जाते हैं साहिबा की चोरी की तरफ। पहले थी उसको सलार से मोहब्बत, इसलिए उसको हासिल करना चाहती थी, लेकिन अब उसकी वो चुकी है ठीक ठाक बिस्ती सलार सिकंदर से। अब वो लेगी बदला और हाय, इतना सुकून। तो बात करने का फारा ड्रामे ही कि जब जाता है सलार सलमान को ठीस थप्पड़ मारने के लिए, तो भाई ये काम सलार पहली रात भी तो कर सकता था शादी की, कि जब सितारा हो गई थी सलार से खफा, पहले ही बता देते तो भाई इतनी बड़ी स्टोरी ना होती। और अब बात करेंगे वो छिछोरी साहिबा की, तो वो आगे क्या कुछ करने जा रही है, स्टोरी होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। पहले आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जो तो सब्सक्राइब नहीं करते थे, मैं बहुत ज्यादा मायूस डिमोटिवेट हो जानी हूँ, तो आप लोगों ने मुझे डिमोटिवेट नहीं होने देना, जल्दी से कर दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं जल्दी 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 वीडियोस डालती जाऊँ। बहुत मेहनत करते हैं, कसम अल्लाह दी ताँ जाकर वीडियो बनती है। जब सलार कहता है सितारा को कि भाई जान से प्यारे शख्स को मैं तकलीफ में नहीं दे सकता, उसको पता तो चल गया था कि एग्जैक्ट मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका मुंह देखा था आप लोगों ने कैसा बन गया था। भाई अगर ऐसी बीवी मेरी होती ना, तो कसम अल्लाह दी मैं छड़ के ना चलती। और इसके बाद जब आप लोग देखेंगे उसका जो सालार का बाप है वो सितारा से थोड़ी बहुत गपशप कर रहा होता है कि भाई वो तुम्हारी वजह से इतना ज्यादा ख्वार हो रहा है इस तरह, तो आगे से सितारा एक बड़ी अच्छी बात करती है कि वो मेरी वजह से ख्वार नहीं हो रहा, वो आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप उसको कामयाब नहीं देखना चाहते, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि शादी से पहले भी सलार को अपने अब्बा जी के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके अब्बा जी को चाहिए थोड़ी इसको समझने की कोशिश करें, एक टिपिकल अब्बा जी ना बने। चले जी, अब उड़ के आ जाते हैं साहिबा की चोरी की तरफ। पहले थी उसको सलार से मोहब्बत, इसलिए उसको हासिल करना चाहती थी, लेकिन अब उसकी वो चुकी है ठीक ठाक बिस्ती सलार सिकंदर से। अब वो लेगी बदला और इन दोनों को दूर करने की कोशिश करेगी। उसके दिमाग में पहले ये चल रहा था कि अगर सितारा को कुछ ना कुछ कर दिया जाए, इसमें कोई इल्जाम लगा दिया जाए या वो पकड़ी जाए, तो जो है सलार सिकंदर उसको छोड़ देगा, लेकिन अब उसको पता चल चुका है कि सलार नहीं छोड़ेगा। अब बताइए कि सलार के करेक्टर पर अगर कोई बात आ जाए फिर उसको सितारा छोड़ दे। इधर एक बात तो सलमान ने बिल्कुल ठीक की थी कि सितारा है बड़ी एहसान फरामोश, उसके साथ जितनी मर्जी नेकी कर ले, लेकिन एक जरा से वो बेचारा कोई हरकत करेगा तो उसको छोड़ के भाग जाए। लेकिन उधर सितारा ने बोला था ये चीज कि भाई अब वो कुछ भी हो जाए उसके घर से नहीं। और अब साहिबा करेगी सलार को बदनाम करने की कोशिश अपने साथ या किसी और के साथ, और उसके जहन में चल रहा होगा कि इसके करने से सितारा उसको छोड़कर चली जाएगी, लेकिन ये उसकी भूल है। इस दफा सितारा जो है सलार का साथ देगी और उसको छोड़कर नहीं जाएगी, और यकीनन आप सब लोग भी यही चाहते हैं, है ना। फिर बाद में वो जो निम्मी है उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो जाएगा कि यार मैंने वाकई सितारा के साथ बहुत गलत किया था, जो मैंने उसके साथ किया वो मेरे साथ हो गया। तो जी आगे बहुत कुछ और भी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, वो भी आप लोगों को बताऊंगी अगली वीडियोज में। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।